हम अपने तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि सुषमा सुवेदी जो जो भी बोला है ना, तो हम तो देखा वीडियो इसका भी और हर चीज में सुना, और मेरे को भी समझ में आया ये कहाँ तक बोला, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंडियन भाई को नमस्कार करता हूँ और नेपाली भाई को भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हम बिहार का रहने वाले हैं, जिला सीतामढ़ी है, हम बिहार का रहने वाले हैं और घर दलकावा पड़ता है, ठीक है ना। और सुषमा सुवेदी जो नेपाल के बारे में खिलाफ किया है ना, वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर ये जो शब्द बोला है ना नेपाल के बारे में, ऐसा है वैसा है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छा देश मानता हूँ और हमारे को भी हेल्प करता है और इंडिया भी इसको हेल्प करता है। हम लोग एकदम मिल के रहते थे और ये लोग कैसा बात कर दिया, सुषमा सुवेदी हमारा ही भारत का रहो कर भी ये बेइज्जती कर दिया नेपाल के बारे में। इसको ऊपर कोई सख्त से सख्त कोई कानून लगना चाहिए, अगर नहीं लगेगा तो हम इंडियन आदमी होकर इसको घर में जाके पता लगाकर इसको मैं कहाँ से कहाँ क्या करना है, वो हम लोग भी बहुत बिहारी हूँ और एक बिहारी सौ पे भारी। और वो भी सोच लो सुषमा सुवेदी, तू जो जो भी गली में बैठेगा ना, वो गली से उठा के मैं ला सकता हूँ मैं, लेकिन सही सही जवाब दिया करो वो हमारा पड़ोसी मुल्क के बारे में। इतना मत सोचो कि ये नेपाल खराब है, वो नेपाल अगर नहीं होता तो आज हमारा भारत देश भी नहीं होता, ठीक है ना। तुम बोलता है ना हमारा मोदी जी को भी क्यों बेइज्जती कराता है तुम लोग, हमारा सरकार को भी तुम लोग नेपाली की, जो भी नेपाली सुनेगा ये कहानी तो हमारा मोदी सरकार का भी गाली देगा, सब देगा, जितना मानता है वो आदमी नहीं मानेगा। सुषमा सुवेदी एक आदमी के लिए श्री पूरा इंडियन का ऊपर भारी पड़ रहा है। सुषमा सुवेदी का इससे अच्छा सजाए नेपाल में इसको फेंक दिया जाए और नेपाली लड़का के साथ इसको शादी करा दिया जाए, और इसका बाद में इसको पता चलेगा कि हाँ नेपाली को साथ में बेकार में नेपाल के बारे में कोई खिलाफ किया हूँ, नेपाल इतना अच्छा देश के बारे में कभी हमको ऐसा गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना मैं बोल दिया हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।